It's your boy. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Pull up on you like a Gen Z. Deta asrat manfi. Tujh mein dar hai, I can sense it. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं जनाब मेरी तमाम YouTube फैमिली? सब सही है। दूध दही के साथ एक और नया व्लॉग, यानी के व्लॉग वेगलोर। सब सही है। दूध दही खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। जी नहीं, मुझे तो अपनी रब की रज़ा चाहिए। जो मेरे रब की रज़ा वो मेरी रज़ा, मैं मेरे रब की रज़ा में राज़ी हूँ। अल्लाह मुझे अपनी रज़ा में राज़ी रहना सिखा। ये है जनाब मेरा प्रेशर कुकर, क्योंकि मैं प्रेशर कुकर से बहुत डरती हूँ, मुझे डर लगता है। तो ये हमने अपना प्रेशर कुकर बनाया हुआ है। टिंग, ये फटता नहीं है जनाब। हाय, आ गई क्या लाइट? आ गई है। मैंने 4 बजे मैंने गोश्त का सालन चढ़ाया था पतीले में, गोश्त डाला और फिर उसके बाद ढक्कन लगाकर ऊपर तवा रख दिया। इससे ये होगा कि गोश्त जो है वो हल्की आंच पर अच्छे से भुन सिक जाएगा। किसको क्या होगा? अच्छा, इसको होगा। जी हाँ, यस से हाँ हाँ। गाइस, अगर आपको किसी से लड़ाई करनी हो और आपसे चुपचाप बदला लेना चाहते हैं तो आप मेरी बात पे अमल करें। ऐसे गेम ले लें। बदला हो गया उसको, कुछ ना हो तो 3-4 बार मारे वो खुद समझ जाएगा कि मेरे साथ क्या हुआ है। हाँ, मेरे साथ बदला लेने का आसान। समझ गए। बेटा तू तो बगैर लड़ाई करे मेरे बेटे से हर वक्त बदला लेते रहे, हर वक्त मेरे बेटे से बदला पोत रहे रहा। मेरा मासूम बच्चा, मम्मा बाबा का फालतू में थोड़ा सा फ्रूट काट ले, थोड़ा सा काट ले। बाबा नहीं है, बाबा ड्यूटी पे हैं। मुझे लगता है कि मैं नहायत ही ढीठ हूँ। मैं इतनी ढीठ हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर किसी व्लॉग पर तो 600-700 और 1K बन जाता है, और किसी व्लॉग पर मेरे जो सब्सक्राइब व्यूज़ होते हैं वो सिर्फ 7 होते हैं। जी, किसी व्लॉग पर मेरे व्यूज़ जो होते हैं सिर्फ 7 होते हैं, लेकिन मैं फिर भी व्लॉग बनाती हूँ और मैं व्लॉग बनाती रहूँगी। 7 से 700 कैसे करने ये मुझे अच्छे से आता है। समझ गए आप? शाम हो चुकी है, ये चारपाई यहाँ डलेगी और इस चारपाई पर मैं बेचूंगी। मैं क्या करूंगी, यहाँ चैंटियाँ बहुत हैं। अभी आपको मैं ज़रा चैंटियों से मिलवाती हूँ। ये देखें इनका रास्ता, देखें आप। टिंग, अब ये यहाँ जा रही है और फिर ये यहाँ है। अब मैं क्या करूँ, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं ये चैंटियाँ कैसे रोकूं, लेकिन मैं रोक नहीं सकती क्योंकि मैंने खुद जानबूझकर चैंटियाँ यहाँ बुलवाई हैं। यहाँ पर जो चैंटियों का इड्डा है, एक ये देखें, वो जो आपको नज़र आ रहा है ना, वो मैंने गुड़ रखा है। गुड़ अपनी चैंटियों को खिलाने के लिए, मैंने पौधे के पीछे गुड़ का टुकड़ा डाला और चैंटियाँ उसको खाने के लिए आ रही हैं। कहाँ से आ रही हैं? वहाँ से चैंटियाँ इस लाइन से होते 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 उस गुड़ को खाने के लिए आ रही है। तो ये मैंने चैंटियों के खाने के लिए गुड़ डाला है और वो चैंटियाँ उसे खाने के लिए आ रही हैं। वैसे तो मैं चैंटियों को चीनी और आटा डालती हूँ, लेकिन गुड़ था तो मैंने सोचा कि चलो मीठा दे दिया जाए चैंटियों को, तो चैंटियाँ मीठा खा कर खुश हो जाएंगी। सजबील, फ्रूट काट ले बेटा। कल्ले दिल होने नहीं लगता, अल्लाह जाने ये कौन रांडा हुआ जागा। कल्ले दिल कौन लगा, रांडा के दिला ना फोड़ दो ईंटा से जाके। कल्ले दिल कौन लगा, मुड़िया डोला। कल्ले दिल होने नहीं लगता, आग लगा रंडा का दिला का जागे। अकेले दिल कौन लगा, मार से पूछो, अकेले में कितना सुकून है।
जितना सुकून अकेले रहने में। उफ। चलें जनाब ये पर्दे हटा दिए जाएं। हाँ। और शाम का मंज़र मेरी खिड़की में से कुछ यूँ है, शाम का मंज़र मेरी खिड़की से कुछ यूँ नज़र आता है। वो चारपाई है और वो बाथरूम का दरवाज़ा है और बाथरूम के पास पौधा रखा है मार्बल वाला। मैं कह रही हूँ मेरी खिड़की से शाम का मंज़र कुछ यूँ नज़र आता है, वो चारपाई है और वो सामने बाथरूम का दरवाज़ा है। आजकल 9 रमज़ान के बाद से इफ्तारी मैंने बनानी थोड़ी मुख्तसर कर दी है क्योंकि कुछ खाया नहीं जाता, और अगर फ्रूट तो फिर रोज़ाना कटता है और कुछ खाएं तो फिर मतलब भेगड़े पकोड़े चटपटी कुछ चीज़ें इस तरह की खा ले जाए तो फिर उसके बाद जो है फिर मैं नज़र आ रही थी इधर। उसके बाद जो है फिर रोटी सालन खाने को दिल नहीं चाहता, तो फिर मैं नहीं चाहती कि कुछ और बने रोटी सालन से, तो रोटी सालन ना खाया जाए। अल्लाह अकबर। थोड़ी सी धूप रहती है, बस तैयारी ज़्यादा कुछ खास करनी नहीं है। शरबत बनाकर दोपहर में रख दिया था, शरबत में बर्फ़ नहीं डालती मैं, और आप लोग भी ऐसा मत किया करें, शरबत का टेस्ट ख़राब हो जाता है। जो हम बनाते हैं तो मलंगा डाल के बनाते हैं या लींबू डाल के बनाते हैं या जो भी हम जिस तरह का भी शरबत जो जिस तरह से बनाता है, उसमें बनाने के बाद शरबत प्लीज़ मत डाला करें। शरबत एक जग में बनाकर उसे पहले से डी में रख दिया करें। क्या कर रही हो सशबीर, बदतमीज़। डी में रखने से ये होता है कि उसमें बर्फ़ नहीं डालने पड़ती, वो जम जाता है या वो बिल्कुल इतना ठंडा हो जाता है कि उसका टेस्ट ख़राब नहीं होता, टेस्ट उसका अच्छा और मज़ेदार रहता है। तो बर्फ़ मत डाला करें, शरबत थोड़ा टाइम पहले बनाकर डी में रख दिया करें। और गर्मी आजकल से ज़्यादा है बेटा, कूलर में बर्फ़ डाल देना, बाबा फिर आते ही ड्यूटी से ठंडा पानी पूछ रहे होते हैं, ठंडा पानी बनाया है नहीं बनाया, बनाया है तो फ्रिज में ठंडा, कूलर में ठंडा पानी, आज बर्फ़ डाल देना कूलर में। व्लॉग मैंने अपना स्टार्ट कर दिया है और अपनी कुछ तारीफ़ें मैंने आपको व्लॉग स्टार्ट करते ही बता दी थी कि मैं बहुत डीट हूँ। मेरे सब्सक्राइबर बेशक एक दिन में एक वीडियो पर 7 ही क्यों ना हो, मैं फिर भी व्लॉग बनाऊंगी। सब्सक्राइबर नहीं, व्यूज़ एक दिन में एक वीडियो पर 7 व्यूज़ क्यों ना आए, लेकिन फिर भी मैं व्लॉग बनाऊंगी, मैं व्लॉग बनाऊंगी चाहे कुछ हो जाए। कब आएगी? मैंने ना स्टाइलों की दुकान के दरवाज़े से वादा किया है, ए दरवाज़ा जिस दिन मेरी पेमेंट शुरू हो गई ना इस स्टाइलों की शॉप से 2 की जगह 4 चप्पल लेके जाया करूँगी। ए स्टाइलों के दरवाज़े मेरी शक्ल गौर से देख, जिस दिन मेरे चैनल को चल पड़ा, जिस दिन मेरी इनकम शुरू, हाँ मेरे चैनल को चल पड़ा, जिस दिन मेरी इनकम स्टार्ट हो गई उस दिन स्टाइलों से 2 स्लीपर की जगह 4 लेकर जाऊँगी। मुझे खुशी हो रही है कि एकदम से जहाँ मेरे व्यूज 600 होते थे वहाँ 7 हो गए सिर्फ, 400-600 व्यूज मेरे होते थे वहाँ मेरे सिर्फ 7 व्यूज हो गए, लेकिन बिकॉज आई एम वेरी ढीट नकती, मैं फिर भी व्लॉग बनाऊंगी और डालूंगी और अपने व्यूज़ वापस उसी पोजीशन पर लाऊंगी। इफ्तारी के बाद सारा किचन वाइंड अप हो चुका है, काम सारा ख़त्म हो गया है, खाना बच्चों ने खा लिया, बच्चों के बाबा रह गए, वो अब ड्यूटी से आएंगे तो खाना खाएंगे। सजबील आपने क्या बनाया है? हाँ मतलब मैं किचन में आई हूँ तो मुझे, मैं किचन पूरा साफ करके गई थी इफ्तारी के फौरन बाद, किचन पूरा साफ किया था।
आइडिया तो है खुशबू किस चीज की आ रही है, मैं तो अंदर रूम में थी। मुझे खीर बनाई है गाइस, मैंने खीर बनाई है। हेलो, जैसे आवाज मेरी ब्लॉग में आती है ना वैसी है नहीं, नाक में से आती है, पता नहीं कहां से आती है मेरी आवाज गाइस, पता नहीं से क्यों आती है। गाइज गाइज हेलो व्यूअर्स, हेलो गाइज, क्या बनाया है? मैंने बनाई है मजेदार खीर, खैरियत से होंगे और खैरियत। क्या बना लिया? मैंने पूरा किचन साफ कर लिया था, कांच के बर्तन में, चीनी के बर्तन में, स्टील के बर्तन में, प्लास्टिक के बर्तन में खाया था। मैंने कहा आज क्यों ना मिट्टी के बर्तन में कुछ खाया जाए, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग, यस आई एम मेकिंग फिरनी एंड देन डिश आउट इन दिस पॉट, मिट्टी बर्तन, मिट्टी बर्तन, क्ले पॉट, मिट्टी वाला बर्तन, क्ले पॉट। चले, ये बनाया है आपने? आई होप दिस, खाना खा लिया आपने? सो प्रीटी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बोल रहे थे अभी आप? आई हैव, आई होप यू लाइक दिस, आई होप यू ऑल लाइक दिस। थोड़ी थोड़ी सी लाइक है, थोड़ी थोड़ी सी। इफ यू डोंट लाइक दिस सो थैंक यू। देख फिर बाबा आते हैं ना, बाबा को आने के बाद आज मोबाइल तो मिल जाएगा, ठहरे एक सेकंड। अच्छा ले, क्या बोलती हूँ मम्मा फ्रेंड में। तो जनाब ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।